अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछ रहे थे कि भाई जब दज्जाल इस दुनिया के अंदर आएगा तो कितने दिन इस दुनिया में रहेगा, कितने दिन तक उसकी इस दुनिया के अंदर हुकूमत रहेगी। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि तिर्मिज़ी शरीफ के अंदर लिखा हुआ है सफ़ा नंबर 325 पर कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि दज्जाल जब इस दुनिया में आएगा तो सिर्फ 40 दिन की उसकी हुकूमत होगी, सिर्फ 40 दिन ही वो इस दुनिया के अंदर रहेगा। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दज्जाल की हुकूमत तो यार सिर्फ 40 दिन की ही होगी, 40 दिन में तो वो मर ही जाएगा, ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, उसका जो पहला दिन होगा वो एक साल के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, एक साल के बराबर उसका पहला दिन गुजरेगा, और दूसरा दिन एक महीने के बराबर, तीसरा दिन एक हफ्ते के बराबर गुजरेगा। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब पहला दिन एक साल के बराबर गुजरेगा उस दिन आपको 5 वक्त की नमाज़ नहीं बल्कि 1 साल की पूरी नमाज़ें पढ़नी पड़ेगी, पूरी हिसाब लगा करके, गिनती लगा करके। तो कितना बड़ा वो दिन होगा, पहला दिन जो एक साल के बराबर होगा। बहुत सारे रावी इसके बारे में लिखते हैं कि दज्जाल जो होगा वो सूरज को रोक देगा, बहुत सारे लोग उसकी तरफ माइल हो जाएंगे। तो ऐसे वक्त में तो दज्जाल अपने आप को खुदा समझने लगेगा। पहले तो ये नबी का दावा करेगा, लेकिन उसके बाद में बहुत सारे लोग इसके बाद जब इकट्ठा हो जाएंगे तो ये खुदाई का दावा कर देगा। तो इस तरीके के दिन गुजरेंगे जब दज्जाल इस दुनिया में रहेगा, और बहुत भारी दिन होंगे।